रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र चला रहे हैं, उस षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। मैं आपको यह भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी जितनी आपको जितनी तकलीफ है उससे कम तकलीफ हमें नहीं है, हमारे लिए भी पूरे प्रशासन के लिए एक चुनौती है। वो सरकार के मुलाजिम की हत्या हो जाना मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी प्रशासनिक हेड के लिए नहीं हो सकता है। देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मौसम में आप आराम से रहिए, हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे, जब आप चाहेंगे हम आ भी सकते हैं, आप हमारे यहां आ सकते हैं और बातचीत की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतना हम आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि जब तक संतोषजनक आपको न लगे कि हल हो गया तब तक यह बातचीत जारी रहेगी और इसकी एक स्थायी मैकेनिज्म। बहुत सारी बातें हैं, मैं खुल करके नहीं कहना चाहता हूं, आपके कई लोगों ने जो यहां हैं जो देश के बाहर हैं उन लोगों ने भी अनेक प्रकार की सूचनाएं दी हैं जो मेरे ध्यान में है। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को का समाधान हो और आप अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सकें, इतनी बात मुझे आप सबसे कहनी है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आपके लिए तो ही है, किसी भी कर्मचारी के लिए मैं समझता हूं ये प्रशासन का दायित्व है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको इसी मंतव्य से देखने की जरूरत है, किसी के मन में कोई इल फीलिंग हो ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। व्यवस्था में दिक्कतें रहती हैं लेकिन उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, इतना मैं कह करके फिर से एक बार अजय भट्ट जी को श्रद्धांजलि देता हूं और आप सबको साधुवाद देता हूं। मैं एयरपोर्ट से सीधे आया क्योंकि मुझे कल फिर जम्मू जाना है किसी बैठक के लिए, तो मैं काफी मिल लेता हूं, तो फिर कल चला जाऊंगा, दो दिन नहीं आऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जब चाहें मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं, बिंदुवार जो आपकी दिक्कतें हैं उनको क्रमानुसार कैसे दूर किया जाएगा। और ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, ईमानदारी से न्यायपूर्ण ढंग से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक मिनट, हमने हमारे लिए मरणदंड है सर। और दूसरा, राहुल भट्ट जी इसलिए नहीं मारे गए कि वो पीएम पैकेज का एम्प्लॉय था, ध्यान सुनिए, वो इसलिए मारा गया, वो माइनॉरिटी कमेटी का बंदा था। बस इतना ध्यान रखिए, आप हमारी समस्या सुनेंगे। दूसरा, हमने हर कैंप से